सो लेडीज एंड लेडा, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल के नए वीडियो पर। तो जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ी हो, तो आज अपन लोग बनाने वाले हैं अपना घर, क्योंकि मैं लास्ट के दो एपिसोड से, अबे यार कैमरा कहाँ चला जाता है बार बार। सो लास्ट के दो एपिसोड में मैं रह रहा था एक विलेजर के घर, बट इस टाइम मैंने सोचा है कि मतलब अपना एक घर बनाया जाए। एंड पिछले वीडियो में भी मैं यही सोच रहा था, एंड पता नहीं मैंने बोला कि नहीं, बट चलो छोड़ो, आज बनाएंगे अपना घर। एंड पिछले एपिसोड में हमने इसको देखा, तो सबसे पहले इसको मतलब नीचे ले जाते हैं अपने विलेज के अंदर। सो वैसे ये वीडियो लगभग 2.5 घंटे की थी, सो मैं 2.5 घंटे की तो डाल नहीं सकता, एंड लाइव स्ट्रीम वगैरह वो तो आप लोग शायद ही देखोगे। सो मैंने मतलब ज़्यादातर पार्ट 16x कर दिया, मतलब 16 गुना ज़्यादा स्पीड से चलेगा। एंड मैं वॉइस ओवर वैसे करता रहूँगा, एंड मतलब ज़्यादातर चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से ही होगी, क्योंकि मतलब अभी पूरा भाई मैं डाल नहीं सकता, एंड बीच बीच का बस थोड़ा थोड़ा दिखा दिया तो भी आप लोग नहीं समझोगे कुछ भी। एंड वैसे जो मैं ये बना रहा हूँ ये वाली वीडियो, इसमें भी शायद आप लोगों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो, बट आप लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। अभी देखा आप लोगों ने कितनी तेज़ी से पेड़ काटा, एंड इधर अलग सीन हो गया था, मैंने वीडियो पॉज किया था क्योंकि मतलब इधर उधर बुलाया गया था मुझे। एंड जब मैं वापस आया फ़ोन में देखा तो भाई रात हो चुकी थी। सो ऐसा सीन हुआ था। वेल ऐसे ही मतलब यार इधर क्रीपर एक आ गया था, एंड मतलब मेरा पूरा मतलब घर उड़ा गया, मतलब मेरा नहीं विलेजर का, मैं तो अपना थोड़ी देर बाद में बनाऊंगा। एंड मुझे इधर मतलब अपना घर जो बनाना है, सो उसके लिए मुझे बहुत सारे मतलब मटेरियल्स चाहिए थे, मटेरियल्स या फिर मैं वो वर्ड भूल गया, खैर आप लोग समझ जाओ, मुझे कुछ मतलब सामान चाहिए था, वुड चाहिए था, एंड ऐसा ही बहुत कुछ। सो मैं वही काटने लग गया, एंड ये जो विलेजर का घर है इसको भी मैंने ठीक कर लिया, ताकि मतलब ये भी शांति सुख से मतलब रह पाए, एंड मैं भी यहाँ पे 3 दिन रहा ना, सो वो भी ठीक कर लेता। एंड मैं चल पड़ा अपने मतलब जो पेड़ वगैरह है उनको काटने में। सो बहुत ज़्यादा तेज़ है, आप लोग मतलब थोड़ा सा वो स्लो डाउन करके भी देख सकते हो, लेकिन मतलब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, क्योंकि मतलब ऐसे 12 मिनट की मैंने बना दी जैसे तैसे करके ट्रिम वगैरह एंड फास्ट फॉरवर्ड। सो मुझे यहाँ पे एक प्लेस मिल गया था जहाँ से मैं अपना घर बनाऊँगा। सो मुझे इधर उधर मतलब कोई खुली जगह नहीं मिली कि मैं अपना घर बना पाऊँ। सो मैंने मतलब अपने पिछले वॉल्स पे अलग सा घर बनाया था, वो भी आसमान में। सो मैं वैसा ही बनाने की कोशिश करूँगा, आसमान में घर। सो मुझे उसमें चढ़ने के लिए फ़िलहाल थोड़े से मतलब क्या कहते हैं लैडर्स चाहिए थे, तो मैं सबसे पहले लैडर्स लेके उसमें मतलब सीढ़ी बना के आराम से ऊपर चढ़ लूँगा। एंड ऊपर मुझे बड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाना है जिसमें मैं अपना घर बनाऊँगा। सो अभी मैं सीढ़ी बना रहा हूँ मस्त से, एंड मैंने कुछ ज़्यादा ही बना लिए थे इधर से, मतलब यार 64 के एक्सट्रैक्स होते हैं, एंड मैंने 3-3 बना लिया प्लस 27 एक्स्ट्रा, एंड इतना मैं मतलब ऊंचा बनाया भी नहीं, मतलब यार मुझे आलस फील हो रहा था क्योंकि मतलब बहुत लंबी वीडियो थी। एंड मैंने मतलब ऑफ़ कैमरा भी बहुत ज़्यादा माइनिंग की, क्योंकि मुझे मतलब जो मैंने हाथ में कुल्हाड़ी वगैरह लेके रखी है उनके लिए मुझे चाहिए था आयरन। सो मैंने मतलब बहुत सारी माइनिंग भी की। एंड इधर मैंने इस पॉइंट से मतलब वो जो बीच का था उधर से एक साइड में 17 एंड दूसरे साइड में 17 एंड बीच से सीधे सीधे ये वाला इसमें 20 करा, एंड इसको जोड़ दिया, एंड 17+17 × 20 का एक प्लेटफॉर्म बना लिया मैंने। सो इधर अपने प्लेटफॉर्म को यार मुझे ये मतलब फिल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि मतलब ये थोड़ा हार्ड होता है। सो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो यार, इतना ज़्यादा इजी नहीं है। वेल जो मैंने बनाया इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप लोग बोल दोगे क्या बनाया इसमें, इसको बनाने में 2 घंटा लग गया तेरे को, बट आप लोग अगर ट्राई करोगे तो भाई समझ जाओगे कि मतलब इतना सिंपल नहीं है, इतना आसान नहीं है। एंड ऊपर से मैं बना रहा हूँ आसमान में, एंड जैसे कि आप लोग नीचे देख रहे होंगे थोड़ा सा, सो उधर एक जगह पे बहुत सारी कुछ अपना ग्रुप बना के बैठे हुए हैं, वो सब मतलब मॉब्स है जो मतलब मेरे दुश्मन है, एंड वो बुरे वाले मॉब्स है जिनसे मेरे को खतरा है, वो मतलब ना एक है स्केलेटन, एक है क्रीपर, एक है स्पाइडर, एंड एक है जॉम्बी। सो वो लोग मेरे को मार सकते हैं। सो मेरे को उधर लाइट लगानी पड़ेगी, एंड मैंने ये जो सीढ़ी है इसको थोड़ा सिक्योर कर लिया ताकि मैं मतलब इधर उधर होके गिर ना जाऊँ।
सो अभी मैं जाऊंगा, टॉर्चेस वगैरह लाऊंगा एंड इधर वो छाप दूंगा बस, मतलब बहुत सारे टॉर्चेस लगा दूंगा। एंड इधर वापस से वही सीन हुआ था शुरुआत वाला, इधर उधर गया था एंड इधर दो विलेजर्स ने बच्चा पैदा कर दिया एंड वो बच्चा मेरे बेड पे सो रहा था। सो अभी मतलब मैं सोच रहा था कि इसको हटाओ कैसे, वो एक विलेजर कर रहा था एंड गलती से उसको लग गई एंड वो चला गया बाहर। सो मैं मतलब इसको थोड़ी मतलब प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी वरना यार मर गया तो भाई थोड़ा गलत सीन हो जाएगा। एंड ये वापस से घर के अंदर चला गया एंड मैं इस बार जल्दी से इसको हटा के सो जाता हूँ। ये भी बड़ा गुस्सा है, सिर से अंगारे निकलते हैं एंड मैं कंटिन्यू करने लग गया एंड इधर मैं बहुत सारी लकड़ियाँ काट रहा हूँ ताकि मतलब थोड़ा बहुत जो काम बचा हुआ है वो सब कंप्लीट कर लूँ एंड टॉर्चेस लगा लूँ। एंड इधर मैंने टॉर्चेस वगैरह लगा ली। सो अभी मैं सोच रहा था कि ऊपर सिर्फ मतलब इतना बड़ा घर तो नहीं बना सकता, सो मैंने सोचा कि डर्ट लगा देता हूँ एंड उस डर्ट में मैं खेती वगैरह भी कर सकता हूँ, मतलब कर सकता हूँ, मतलब कर पाऊँगा वो ही। सो मैं जब ऑफ कैमरा माइनिंग कर रहा था तभी मेरे को एक डायमंड मिल गया था, बस एक यार, लिटरली बस एक। सो उसी से मैंने यार एक डायमंड की शवल बना ली एंड उससे बहुत ज़्यादा मैंने मतलब जो मिट्टी है डर्ट है इसको खोद दिया। एंड आप लोग देख सकते हो कितनी तेज़ी से इसकी HP जा रही है। एंड आप लोगों को शायद पता नहीं होगा लेकिन डायमंड की जो इक्विपमेंट्स हैं इनकी हेल्थ सबसे ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा। एंड इधर मैं गलत सा फंस गया था यार, बच गया मैं। एंड इधर मैं डायमंड की शोवल से मतलब सोच रहा था कि ये पूरा जगह खाली कर दूँ, बस मतलब नीचे वो कोबल स्टोन नहीं दिखेगा एंड जो भी होगा नीचे जो मतलब शवल से नहीं टूट सकता। सो मैंने इधर पूरा डर्ट मतलब साफ कर लिया, मतलब पूरा नहीं किया, जहाँ जहाँ मतलब मेरी नज़र गई एंड मेरी इन्वर्टरी भी फुल हो गई थी। सो इधर मैंने जितना हो सका मैंने सब कुछ उठा लिया एंड इसके बाद मैं चल पड़ा ऊपर। एंड ऊपर मेरे को क्या करना था, पूरे प्लेटफॉर्म पे डर्ट बिछानी थी ताकि मैं इस पर खेती कर सकूं। एंड खेती की भी अलग सी वीडियो आएगी मस्ती, एंड मतलब खेती की बस सिंगल मतलब एक वीडियो में सिर्फ खेती ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि मतलब खेती बहुत आसान होता है इधर। सो कुछ करेंगे और कुछ अगले वीडियो पे। एंड इस वीडियो में मैंने इधर बहुत सारे मतलब डर्ट छाप दिए एंड छापते छापते यार बारिश हो गई थी एंड बारिश में मतलब इतने भयानक से मतलब आवाज़ें आ रही थी एंड ऊपर से थंडर गिर रही थी यार, मतलब यार मेरे कान फट गए थे यार, मतलब क्या ही बोलूँ, इतना ज़ोर ज़ोर बजता है इस गेम के अंदर। एंड मेरे बहुत सारी डर बज गई थी एंड मुझे भी बनाना था घर, सो मैं मतलब निकल पड़ा पेड़ काटने एंड सारा अगर काला काला कर देता मतलब डार्क ब्राउन तो मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। सो मैंने सोचा कि बीच वुड या फिर ये जो भी है स्प्रूस यार खैर छोड़ो जो भी वुड हो इसको मैं ले जाऊं एंड इससे मैं बनाऊं वो ऊपर वाला जो घर होगा। सो आप लोगों ने वैसे भी थंबनेल पे देख लिया होगा कि मतलब कैसा घर बनाया, वेल इतना अच्छा नहीं है मुझे पता है, वेल नेक्स्ट टाइम थोड़ा बेहतर एंड मस्त बनाएंगे। एंड इधर मॉब्स स्पॉन हो गए थे। सो इधर मेरे को सबसे पहले लगाने थे फेंस ताकि मैं मतलब गलती से बाहर ना गिर जाऊँ क्योंकि इधर से अगर गिरा तो पूरी HP ही जाएगी। एंड इधर मैंने गलती कर दी कि मतलब जो वुड मैं लाया था घर बनाने के लिए उसी को मैंने फेंस में यूज़ कर लिया एंड मैं वापस से जाके मतलब कटाई वगैरह करके इधर जो काला वाला वुड है उसको ले आया। एंड इधर से मैं अपना मतलब घर का स्ट्रक्चर बना रहा था। सो लास्ट में आप लोगों को दिखेगा, मतलब लास्ट में नहीं अभी जब मतलब स्ट्रक्चर बन के रेडी हो जाएगा कैसा बनाया मैंने। सो मैं सोच रहा था कि मतलब कुछ नोबिता या फिर सिंचैन के घर जैसा कुछ बनाऊंगा बट यार इतना अच्छा नहीं बना, आप लोग देख लो अभी। सो यार मैं कब ख़त्म करता हूँ, वेल अभी बस होने वाला है तो ये देख लो आप लोग, मतलब बस ठीक ठाक सा है, थोड़ा सा उनसे मैच होता है उनके घरों से। एंड मैं वापस से फास्ट फॉरवर्ड कर दिया एंड इधर से अब मेरे को लेके जानी है कुछ मतलब और वुड एंड खाना चाहिए था मुझे क्योंकि मतलब मेरे पास खाना ख़त्म हो गया था एंड ऊपर से भूख लग रही थी, ऊपर से HP भी कम थी। सो इधर मैं खाना उठा लिया एंड इधर कुछ मॉब्स मिल रहे थे एंड उनको भी पेल दिया एंड वापस से मतलब कटाई करके सो के आके और कटाई में लग गया। एंड इधर मेरे पास बहुत सारे बिरछ है शायद, खैर छोड़ो, सफ़ेद उड, हाँ सफ़ेद वाली उड मिल गए एंड इससे हम बनाएंगे। एंड एक उड के मतलब इस ब्लॉक से हमको चार प्लैंक्स मिलते हैं, सो
मतलब इंटू फोर हो गया सब कुछ। सो इधर मैं सारे वॉल्स लगा दिया एंड सामने दो डोर भी लगा दिया एंड फॉर्चुनेटली यार मेरा हिसाब एकदम सही निकला। मतलब हिसाब नहीं करा था, बस ऐसे ही लगा दिया था कि इतने प्लैंक्स लगाऊंगा एंड बीच में कुछ बन जाएगा एंड फॉर्चुनेटली वहीं पे मेरा मतलब डोर दो आ गया मस्त से। सो इससे बड़ी ओपी वाली लुक आती है। एंड इधर मैं सोच रहा था कि दो फ्लोर का बनाऊँ एंड मतलब यार ऊपर मतलब मस्त सा कुछ बनाऊंगा सोच रहा था, मस्त सा रूम एंड चेस्ट वगैरह का, बट अच्छा नहीं हुआ, बहुत ख़राब दिख रहा था। मतलब दरवाज़ा इतना छोटा एंड ऊपर इतनी ज़्यादा हाइट, सो मेरे को अच्छा नहीं लगा एंड मैं सोचा कि इसको तोड़ते हैं। एंड इधर मतलब ना वो पूरा मतलब घर टकला जैसा लग रहा था। आप लोग अगर पॉज करके देखोगे तो आप लोगों को भाई टकला वाली फील आएगी इधर। सो मैं इसको वापस से मतलब तोड़ मोड़ के थोड़ा मतलब ऊपर ब्राउन वुड का मतलब आउटलाइन वगैरह दे दिया एंड अपने पूरे घर को स्टेयर से कवर कर दिया। एंड स्टेयर मतलब एक एक ब्लॉक का स्टेयर। सो अभी देख सकते हो कैसा दिख रहा है एंड उधर थोड़े से मेरे बच गए। सो इधर के लिए अभी मुझे वापस से जानी पड़ेगी लकड़ी कटाई के लिए एंड देख लो घर का लुक। एंड मैं वापस से चल पड़ा हमने मतलब वही कटाई के लिए, डिफॉरेस्टेशन यार अपना घर बनाने के लिए मैं जंगल उझाड़ रहा हूँ, उजाड़ रहा हूँ। सो इधर मैं मतलब जो ऐसे नोबिता डोरेमोन की छत होती है वैसी छत बनाने ले रहा था। सो मतलब थोड़ी दिक्कत हो रही थी बनाने में, बट मैं सोचा थोड़ी दिक्कत होती तो होती होने दो यार, कैसे बोल रहा था, थोड़ी दिक्कत होती है तो होने दो। एंड वेल मतलब बनाते जा रहा था एंड मैं सोचा कि इधर से अभी नीचे उतर के ज़रा देखूँ कि कैसा बना है एंड बहुत गंदा लग रहा था। मतलब यार कितना फालतू दिख रहा है, आप लोग देख लो यार। मैंने फैसला किया कि मतलब ये नोबिता डोरेमोन जाए, मतलब नोबिता डोरेमोन का मतलब घर का स्ट्रक्चर जाए भाड़ में, अभी अपन जैसा मन करता है मतलब जैसा अच्छा लगता है वैसे ही बनाते हैं। वेल मेरा प्लान तो वही था एंड मैंने अब सारे स्टेयर्स उल्टे लगा दिए ताकि मतलब ना थोड़ी मतलब क्या कहते हैं कैसल वाली फील आए। एंड इधर मैं स्टेयर्स वापस लगाने लगा कि मतलब अभी इधर मैं वॉल लगाने की सोच रहा था, वॉल के कुछ ब्लॉक्स, बट इधर वॉल बनाने के लिए चाहिए कोबलस्टोन एंड कोबलस्टोन मैं गया नहीं माइन करने। सो मैंने इधर लकड़ी के स्टेयर्स का ही बना लिया एंड लगभग ख़त्म होने वाला एंड मैं नीचे गया। एंड इधर मैं सोचा कि मतलब इतना घूम के क्यों जाऊं, इधर ही थोड़ा तोड़ के वापस लगा देता हूं, मतलब यार दरवाजे की इज्जत ही नहीं, वही सब करके लगाऊंगा। एंड इधर मैं वापस से लग गया इसको लगाने में एंड इधर मैं एक गलत लगाने वाला था एंड मैं वापस से मतलब वही कंटिन्यू करता गया एंड कॉर्नर से बहुत सारे मतलब वो कुछ गलत से हो गए, गलत सीन हो गया। बट मेरे को यार तब आलस आ रहा था यार, लिटरली दो घंटे मतलब एक ही जगह पे बैठा हुआ मैं मतलब ये कर रहा था, ये बना रहा, तो मतलब दिमाग ख़राब हो गया मेरा। सो ऐसे ही मैंने छोड़ दिया एंड मतलब ऐसे नॉर्मली देखूँ तो मतलब इतना बुरा नहीं लग रहा था। एंड अभी देखते अपना घर का फाइनल लुक एंड अभी इसके बाद मैं घर के अंदर कुछ मतलब डालूँगा, कुछ लगाऊँगा ताकि मतलब घर मस्त लगे। एंड तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।